एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी आरती। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार, हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़ोर से ठंड होने लगी, मतलब बहुत खतरनाक वाली ठंड हो गई है। 3-4 दिन से धूप आने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं ऐसा लग रहा है कि बस धूप आ जाए, इतनी वाली ठंड हो गई है यहाँ पे। और आपके शहर में क्या हाल है? ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10। तो ब्रेकफास्ट में ना हमने खाया आज बथुआ के पराठे, बड़ा ही मज़ा आ गया था। और मैंने उसके अंदर पनीर भी डाले तो और भी डबल टेस्ट हो गया था। तो हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि हम जा रहे अभी कैंटीन, आर्मी कैंटीन, क्योंकि मेरा भाई है वहाँ पे, तो कुछ सामान लेके आएंगे घर का, ग्रोसरी वाला सामान। तो चलो आज आपको भी लेके चलती हूँ मैं आर्मी कैंटीन। अरे, तो पापा, मैं, बुआ, हम तीनों जा रहे हैं। बुआ का मन नहीं था, मैंने कहा बुआ चलो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, बुआ भी बहुत दिन से बाहर नहीं गई हैं, उनके ऑपरेशन था इसका बुआ का, तो मैंने कहा चलो चलते, तो बुआ भी रेडी हो गई, तो हम तीनों जाएंगे। तो चलो चलते हैं और जल्दी से थोड़ा बहुत तैयार होना है, जैकेट वगैरह डाल ली। हम लोग निकल गए कैंटीन के लिए और बुआ है, पापा रहे हैं। तो आज देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग क्या, घर का ग्रोसरी का सामान मिलता है वहाँ पे। और अभी भाई के लिए खरीदेंगे मूंगफली, क्योंकि उसने बोला है मूंगफली है ना, मूंगफली एंड गाइस, आप वेदर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, मतलब बहुत कोहरा लगा हुआ था, बट हमें तो जाना ही था। हमारा आराम से जा रहे थे, इसमें मैं वीडियो थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी है स्पीड वीडियो का। तो हम लोग पहुँच गए और ये मेरा कज़न ब्रदर है जो कि आर्मी में है। तो हमने सामान एक कैंटीन से ले लिया, बट पूरी लिस्ट अभी हमारी कम्प्लीट नहीं हुई। तो अभी हम जा रहे हैं सेकेंड वाली कैंटीन में। और यहाँ पे ज़्यादा मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमारे लिए सेफ्टी है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। गाइस, हम लोग आ गए कैंटीन से और कैंटीन में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे वहाँ पर सही नहीं लगा। और बस गाड़ी पार्क कर दी हमने और चलते हैं घर। तो सामान उठा लिया, तो सारा सामान दिखाऊंगी मैं आपको हमने क्या क्या खरीदा कैंटीन से। तो चलो चलते हैं घर। पापा और बुआ भर रहे हैं सामान। ने खा लिया खाना और जो लेके आए सामान, हमारी दुकान छोटी सी बन चुकी है तो इसका हम वहाँ भी करेंगे कितना क्या प्रॉफिट हुआ हमें कैंटीन के सामान का, है ना। एंड यहाँ पे हमने सेट कर लिया पूरा सामान ताकि हमें थोड़ा हिसाब किताब लगाने में इजी रहे। तो एंड टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमें हुआ प्रॉफिट 2.5K का, मतलब 2500 का हमें फ़ायदा हो गया। सो ये उसके बाद भी हमने चाय। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। सो आई होप यू लाइक।